नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल लेकर आई हूँ जो हम सभी काफी समय से जानना चाहते थे। ये एक ऐसा सिंबल है रेकी का, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने बहुत बार इसका नाम भी सुना होगा, मिडास स्टार सिंबल। बहुत समय से बहुत सब लोग कह रहे थे कि इसके लिए हम कोई वीडियो बनाएं, तो आज आपके लिए ये वीडियो है मिडास स्टार सिंबल पे। इससे बहुत इजीली आप अपने लाइफ में, जैसे एक चुंबक होता है ना, वो जहां पर भी लोहा दिखता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे ही मिडास स्टार सिंबल अपनी तरफ सारी, जितना भी यूनिवर्स में प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी से यहाँ पे सिर्फ मतलब धन से नहीं है, हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में, आपकी हेल्थ की प्रॉस्पेरिटी, आपके रिलेशनशिप्स की प्रॉस्पेरिटी, आपके थॉट प्रोसेस की प्रॉस्पेरिटी, कि आप राइट डायरेक्शन में सोच सकते हैं, आप अपने आप को एक सही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ले जा सकते हैं और फाइनली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी देता है। हम इसके बारे में थोड़ा आज विस्तार से, थोड़ा डिटेल से जानेंगे। ना मिडास स्टार सिंबल, ये एक ग्रीक किंग है जो कि मिडास था, जिनका नाम उन पर आधारित है। ना मिडास किंग की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, फिर भी हम एक बार उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो मिडास था, ही वॉज अडोप्टेड सन ऑफ किंग गॉडियस एंड गॉडेस साइवेले, ठीक है, उनके अडोप्टेड सन थे। अब जब ये बहुत छोटे थे, तभी सैकड़ों चींटियां खुद से अनाज के दाने, ग्रेन्स ऑफ व्हीट, उनके मुंह में ले जाकर डालती थी। इसका मतलब सीधा होता था कि ये फ्यूचर में बहुत ही एक क्लियर साइन था कि ये फ्यूचर में बहुत ही वेल्थी बनने वाले हैं। एंड ही वॉज वेरी नाइस किंग। तो अब जब ये किंग ऑफ फ्रिजिया बने, जो कि वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ एंटोलिया एनेटोलिया में है, और उसके अलावा इनके जीवन का कुछ हिस्सा मैकेडोनिया और थ्रेस में भी गुजरा, तो वहां पर भी इनके कुछ लाइफ इवेंट्स मिलते हैं। अब हुआ ये कि ये वहां के किंग थे, और उस समय एक गॉड होते थे ग्रीक गॉड, डायनो डायोनिसस। डायोनिसस वाज ग्रीक गॉड ऑफ वाइन, थिएटर एंड रिलीजियस एक्सटेसी। तो एक बार वो जो ग्रीक गॉड थे, ये डायोनिसस, ये कहीं पर वॉर के लिए जाते, और उनका रास्ता फ्रिजिया से होकर जाता था। तो वहां पर जब वो जाते, तो रास्ते में उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी, जो कि उनका ट्यूटर और साथ में कंपेनियन था काफी लॉन्ग टाइम से, जिसका नाम था साइलेनोसिस, साइलेनोस, ठीक है, वो एक सेटायर था। एंड ही गॉट लॉस्ट ऑन द वे, ही लॉस्ट द ट्रैक, एंड सारी टीम के साथ उसका अलगाव हो गया। एंड फाइनली वो पहुंचा इनके गार्डन में, मिडास के। तो गार्ड्स उनको लेकर गए मिडास के पास, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। तो मिडास ने उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, उनको बहुत अच्छे से रखा, एंड साथ में उनको हेल्प किया डायनोसिस के वेयर अबाउट्स जानने में। एंड आफ्टर 10 डेज स्टे, उन्होंने उसे मिलवा दिया डायनोसिस से। सो डायनोसिस वाज वेरी हैप्पी कि भाई इन्होंने मेरे साथी को इतने अच्छे से रखा और बहुत ही रिगार्ड से रखा और मेरे पास सेफली पहुंचा दिया। तो उन्होंने एक उन्हें प्रॉमिस किया कि आप जो भी चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो, बून मांग सकते हो। ना दिस पर्सन मिडास, जैसे कि दुनिया में सब लोगों को होती गोल्ड की बड़ी इच्छा होती है, उसने आव ना ताव देखा और फटाफट से एक बून मांग लिया कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो गोल्ड की बन जाए। ना डायनोसिस ने उन्हें समझाया, कहते देखो एक बार सोच लो कि क्या आप वाकई में ये चाहते हो। तो ही सेड यस यस आई वांट दिस। तो ही सेड ओके लेट इट बी सो। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो अब वो हर जगह जहां जाए हाथ लगाए और हर चीज गोल्ड की बन जाए, बहुत सारा गोल्ड अमास कर लिया ऐसे।
तो ऐसे करते करते जब उसे फूल बहुत पसंद थे, फूलों को टच किया, फूल गोल्ड के बन गए। नाउ हिज डॉटर, उसको भी फूल बहुत पसंद थे। उसने देखा महल में जब सब तरफ सारे फूल गोल्ड के बन गए, तो शी केम रनिंग टू हर फादर की पूछने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। एंड उससे पहले एक और चीज हो चुकी थी कि वो जब खाना खाने बैठे तो पानी भी गोल्ड का बन गया, खाना भी गोल्ड का बन गया। तो ही वॉज ऑलरेडी रिपेंटिंग, वो ऑलरेडी बहुत दुखी हो चुके थे, ना कुछ खा पा रहे थे ना पी पा रहे थे, जिस चीज को छू रहे थे वही गोल्ड का बन रहा था। अब एक दुखी इंसान क्या होता है ना, ना उनकी बेटी दौड़ती हुई उनकी तरफ आई, तो उन्होंने उसे फटाफट से हग कर लिया। नाउ जैसे उसको हग किया तो वो बेटी भी गोल्ड में टर्न हो गई। नाउ दिस वाज द लिमिट। अब तो वो राजा को बहुत ही पछतावा हुआ, बहुत ही दुख हुआ। सो ही वहीं से उसने हाथ दोनों उठा के और प्रे किया डायोनिसस को कि प्लीज आप ये वरदान वापस ले लीजिए। डायोनिसस वाज अ वेरी काइंड गॉड, तो उन्होंने जैसे उसकी प्रेयर सुनी तो उन्होंने उसे वहीं से मैसेज भेजा कि मतलब मैंने तो आपको पहले ही कहा था, एंड अभी भी ये आपके ही हाथ में, आप खुद से आप इसे छोड़ सकते, तो गो एंड वॉश ऑफ योर हैंड्स इन द रिवर पैक्टोलस। ठीक है, तो पैक्टोलस जो ये रिवर है वो सार्डिस के नियर है, मॉडर्न टर्की में। तो वो जैसे ही वहां पर गया राजा, उसने हैंड वॉश करी है उसमें रिवर में, तो उसके हैंड से गोल्ड फ्लो करता रहा काफी देर तक, ऐसे गोल्ड फ्लो करता रहा। तो उसके बाद बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं जहां पर लोग बताते हैं कि वो पैक्टोलस रिवर के किनारे उन्हें बहुत बहुत गोल्ड मिला है। ठीक है, तो वहां पर काफी उसकी मिट्टी में भी काफी गोल्ड वगैरह हो गया था। नाउ दिस किंग केम बैक होम एंड उसकी बेटी भी वापस जीवित हो चुकी थी, एंड उसने खाना खाना के लिए सब चीजों का हाथ लगा तो सब कुछ वैसे का वैसा रहा, कुछ भी गोल्ड में टर्न हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बेसिकली ये हमें ये भी सीख देता है कि देखो, जो भी हम लोग विश मांगते हैं, इवन इस सिंबल से भी आप जो इंटेंशन करोगे सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। एंड मैं एक सजेशन दूंगी कि हमेशा शुड नॉट बी कि मुझे इतना पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज कि जो भी मेरी भलाई के लिए, जो भी मेरे जीवन के स्पिरिचुअल उन्नति के लिए चाहिए वो सब मुझे मिले, जो भी मैं लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसके लिए मुझे अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिले, तो ऐसा प्रे करना चाहिए। तो ये उनकी स्टोरी थी, थोड़ा इससे सीखना भी चाहिए कि हमें बिना सोचे समझे विशेस इंटेंशंस नहीं करना चाहिए। हमारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, हमारी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं, तो हम सोच समझ के करेंगे। अब हम देखते हैं एक बार ये सिंबल कैसा दिखता है और उसके बाद देखेंगे इसे यूज कैसे करना है। इस सिंबल के लिए अट्यूनमेंट जरूरी होती है। अट्यूनमेंट भी इसमें आप अपने किसी भी रेकी टीचर से ले सकते हैं अगर वो इस सिंबल के लिए अट्यून्ड है, अदरवाइज आप हमसे भी ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म का लिंक दिया है, जो भी वो फॉर्म फिल करेंगे डेली मैं उनको सबको इसका अट्यूनमेंट सेंड कर दूंगी। तो रात को बस सोने से पहले आपको इंटेंशन करना है कि मैं ग्रैंड मास्टर याचना जैन से मिडास सिंबल का अट्यूनमेंट रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आप ऐसा इंटेंशन करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप से स्लीप में इसका अट्यूनमेंट रिसीव हो जाएगा। ऐसे हमारे इंटेंशन है और ऐसा ही आपको प्रोसेस करना है। बाकी इसे यूज कैसे करना है वो हम बाद में देखते हैं, अभी राइट नाउ हम करते हैं कि इसे ड्रॉ कैसे करना है। आपसे शेयर करती हूँ स्क्रीन।
इस सिंबल से अट्यून होने के लिए जरूरी है कि आपने रेकी का लेवल 2 किया हो, उसके बाद ही इस सिंबल का अट्यूनमेंट रिसीव कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं रेकी करने के लिए। रेकी एक बहुत ही एनर्जेटिक हीलिंग मोडालिटी है, जिसके बारे में आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं मिडा स्टार सिंबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, इस प्रकार के स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद दिस इज वन नंबर, टू थोड़ा पीछे आए नीचे, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, बट बैकवर्ड ही हमारा सारा मूवमेंट चल रहा है। टू थ्री, अब हम वापस नीचे, फोर, देन अब ये लाइन जो आपकी जाएगी वापस ऊपर जाएगी यहां से सेंटर से क्रॉस होते हुए, ठीक है। देन बैक डाउन, सिक्स नंबर, एंड देन ये वापस बैकवर्ड्स ही ऊपर आएगी, यहां से इस पॉइंट से ये क्रॉस करेगी। एंड उसके बाद ये वापस आपके वन नंबर में मीट हो जाएगी। तो उसके ये पूरा एक आपका साइकिल बनता है, हम इसे थोड़ा सा मार्किंग्स कर लेते हैं तो उससे आपको ध्यान आ जाएगा। दिस वॉज लाइन नंबर वन, वन, देन उसके बाद दिस वॉज लाइन नंबर टू, थ्री, यहाँ पर जाकर ये फिर फोर, एंड देन दिस वन फाइव, जो कि ऊपर टॉप तक जा रही है, जाने के बाद बैक नीचे सिक्स सेवन, और ये एट नंबर लाइन। और इसके अलावा एक इसके नीचे भी हम लाइन लगाते हैं, दैट इज इसे भी हम मार्क कर लेंगे लाइन नंबर नाइन। तो ये नाइन लाइंस का एक सिंबल है। नाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है, नाइन का, 1 to 9 का पूरा एक साइकिल होता है। सो इट्स अ साइकिल। अब इसमें हो क्या रहा है आपका वन नंबर में, जैसे कि लाइफ, जैसे यहाँ पर देखिए, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है। आप इसको रिवर्स कर देंगे ना, सेम टू सेम बनता ही, ऑलमोस्ट मेरे से थोड़ा सा फर्क हो गया होगा, लेकिन अदरवाइज ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ऊपर नीचे सारा। आप इसको रिवर्स करेंगे तो, और दोनों तरफ से, लाइक आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको सेम फिगर मिलेगा। एंड इट इज अ साइकिल, ये वापस से रिपीट साइकिल शुरू हो जाता है। जो मैंने इसे समझा है जीवन में, अब ये क्या दिखाता है ये सिंबल आपका, जो आपकी लाइन नंबर वन है, ठीक है, इसे अगर हम लिख लें यहाँ पर,
विनोदमेर, जो आपकी लाइन नंबर 1 है, सिंपल हमारा लाइफ, हमारी जैसे लाइफ जर्नी चल रही है, ठीक है। फिर 2 नंबर पे क्या होता है, कभी कभी फॉल्स आते हैं लाइफ में, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, कोई डाउनफॉल आता है, तभी कोई चेंज होता है ना लाइफ में, जब कोई आप कोई मिस्टेक करते हैं, तो ये गया नीचे की तरफ। लाइन नंबर 2 किस लिए गई, नीचे, ये और बैकवर्ड से जो आपको थोड़ा पीछे ले जाती है ना। जो लाइन नंबर 3 है, ये देखो पीछे जा रही है बट ये ऊपर जा रही है, सो 3, और जो 4 है, एक तरह से कहूँ तो ये आपके 2 3 4 एक बैकवर्ड जर्नी है। दिस इज बैकवर्ड जर्नी, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, बेसिकली कि मैंने जीवन में इस सिंबल को समझा है, तो हमारी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल आता है तो हम सोचते हैं, जो एक समझदार इंसान होता है वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो मुझसे क्या हुआ, मैं कैसे बेटर कर सकता, तो उसको कहते हैं, तो वो इंट्रोस्पेक्शन करता है। और वो इंट्रोस्पेक्शन ये पीछे तो जा रही है, क्योंकि हम पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट ये इंट्रोस्पेक्शन आपको ऊपर की तरफ ले जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आप कुछ समय लेते हैं और पीछे की तरफ जाकर ये रिफ्लेक्शन, 4 नंबर आपका, ये जो बैकवर्ड जर्नी में आपका इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आप अपने अपने खुद की तरफ, सी इस 4 नंबर लाइन इज मूविंग टुवर्ड्स 1 पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट, नीचे जा रहा है बट बिगिनिंग पॉइंट। तो ये क्या करता है, एक बार एक बंदा जो होता है आगे तेज दौड़ने के लिए, हम क्या करते हैं, एक स्टेप बैकवर्ड्स लेते हैं, आपको बहुत तेज कहीं पे जंप करना है, एक स्टेप बैकवर्ड्स लेते हैं, तो ये थोड़ा पीछे आया, थोड़ा पीछे आया और इसने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की, रिफ्लेक्शन किया मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं कैसा हूं, और मैं लाइफ में अपनी ही इन स्ट्रेंथ्स को आगे कैसे लेकर जा सकता, मेरी क्या वीकनेसेस है, मैं कैसे उसे ओवरकम कर सकता हूँ, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करके एक स्टेप बैकवर्ड्स लिया। एंड देन आप देखेंगे लाइन नंबर 5 पूरा एकदम से एक लीप जंप पूरा सक्सेस का। जब कोई इंसान ऐसे इंट्रोस्पेक्शन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, कामनेस लेकर आते हैं अपने अंदर, तो वो ऐसे पूरा स्ट्रेट 5, अब 5 आपकी हुई फॉरवर्ड जर्नी, ठीक है। तो 5 से आपका यहाँ पर 5 आपका सक्सेस, सक्सेस का लीप हुआ आपका, ठीक है। अब कोई इंसान जब सक्सेस के वहां पर पहुंचता है, देखो सक्सेस ना ऐसे नहीं होती कि एक बार में जिंदगी में सक्सेस मिल गई और हमेशा बनी रही है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचते हैं तब थोड़ा फिर से फॉल आता है। तो देखो अब आप, ये इतना स्टीप नहीं है, 6 नंबर वापिस से एक फॉल आया, बट वो फॉल आपके बेटरमेंट के लिए होता है फॉर सक्सेस, ठीक है। तो कोई जब सक्सेस के बाद भी फॉल्स आते हैं, वो हमारी बहुत डीप लर्निंग्स के लिए होते हैं, सो दैट हम लोग बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सके और आपकी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो। देखो मीडा स्टार सिंबल है आपका कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वेल्थ का, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वेल्थ ऐसे ही नहीं बनता है, वो बनता है जब आप अपने जीवन की सब लर्निंग्स को बहुत अच्छे से ले चुके। तो आपने एक लीप देख लिया, आपने सक्सेस को टेस्ट कर लिया कैसी होती है, सक्सेस ना हो, दिस डाउनफॉल जो हुआ आपका फॉल आफ्टर सक्सेस 6 नंबर पर, कि आपका जो फॉल आ रहा है फॉल आफ्टर सक्सेस, ये आपकी लर्निंग्स के लिए है, बिगर लर्निंग्स के लिए है, एंड ये आपको ग्राउंड करने के लिए, सो दैट हम लोगों में बहुत ज्यादा ओवर प्राइड नहीं आ जाए एंड हमारे फिर कोई हम लोग बड़े नुकसान से बच सके। तो इसके लिए ये 6 नंबर क्यों हुआ, ताकि हमारे अंदर ग्राउंडिंग हो थोड़ा सा। जब ये ग्राउंडिंग हुआ 6 नंबर आपका, तो 7 नंबर पे आप रियलाइज करते हो
कि मुझे अपनी रूट्स को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। सो 7 नंबर एक जो होता है ना डाउन टू अर्थ, वो पर्सन अब हम्बल बन के डाउन टू अर्थ है ना, हम्बल पर्सन अपने रूट्स की तरफ, बैक टू रूट्स जाएगा। ठीक है, वो अपने आपकी ग्राउंड को स्टेबल करने, स्ट्रॉन्ग करने वो बैक टू रूट्स जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये बैकवर्ड्स है बट ऊपर की तरफ राइज के, बैक टू रूट्स। एंड 8 नंबर की लाइन के थ्रू ये जाकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाता है। सो इट्स लाइक रीचिंग आउट, बीइंग वन विद योर सेल्फ, बीइंग वन विद योर सेल्फ। ठीक है, सो आप 8 नंबर भी क्या करते हैं, आप अपने आप को वापस से होल्ड करते हैं, यू बिकम वन विद योर सेल्फ। बहुत बार क्या होता है, हम सक्सेस के लिए बहुत सारे जो सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही होती हैं, हम लोग वो सारी चीजें अपना लेते हैं, अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, बट वो ना हमेशा रह नहीं सकते हमारे साथ। सो इट्स लाइक जैसे एक पेंसिल होती है, अगर ये पेंसिल देखो शार्प करना है इस पेंसिल को, तो आपको छीलना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, आपको काफी इसके ऊपर से लेयर्स उतारनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग बाहर से कोई लेयर्स को अपने ऊपर कवर कर लेते हैं, तब हमारी वो सक्सेस ना कंटिन्यूअस नहीं रह पाती है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वापस अपनी स्ट्रेंथ्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करके हम लोग अपने आप से रिकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ सिंबल ऑफ रिकनेक्शन ऑल्सो, जो आपकी ओरिजिनल पावर्स हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर ओरिजिनल पावर्स, ओरिजिनल पावर्स एंड ऑल्सो। ठीक है, और फिर की क्या है, आपकी कांस्टेंट प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में कांस्टेंट फ्लो ऑफ अबंडेंस लेकर आता है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ अबंडेंस। 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जीवन पे प्रभाव डालता है, एक पूरा साइकिल है जो कि आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो 9 नंबर लाइन है, इसके नीचे आप देखेंगे ये 9 नंबर लाइन है। अच्छा, यहाँ पे 8 नंबर, व्हेन यू बिकम वन विद योर सेल्फ देन यू स्टार्ट अगेन योर जर्नी एंड फिर आप आगे जाते हो। ठीक है, एंड जो आपकी 9 नंबर लाइन है, 9 नंबर लाइन क्या है कि आपकी जो पावर्स हैं ऑलरेडी, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, नीचे से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, उसको फॉल नहीं करने देता है। एक नीचे जैसे वो बच्चे क्या छोड़ी सर्कस में या कहीं पर भी जहाँ स्टंट्स होते हैं, कभी देखे ना, वो नीचे एक नेट बांध देते हैं, सो देट आप बिना डरे अपनी जर्नी, अपने स्टंट्स, अपने जो भी वहां पर शो है पुटअप कर सके। अगर आप गिरोगे भी तो कहाँ गिरोगे, इस पर आकर गिरोगे। तो ये जो 9 नंबर लाइन होती है आपकी, ये सारा जो हीलिंग प्रोसेस, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है और उसकी पावर्स को इंक्रीज कर देती है, साथ में कंटिन्यूस बनाकर रखती है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखती है। ठीक है, तो ये सिंबल ऐसा है। अब आप इसको डेली बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इस सिंबल के साथ, अपना वननेस क्रिएट कीजिए, है ना। मैं आपको एक बार फिर से, हम लोग इस सिंबल को हम इस सिंबल को एक बार फिर से हम लोग कैसे, आप फटाफट से इसको ड्रॉ कर सकते हैं देखते हैं। करना क्या, स्ट्रेट लाइन के 2 नंबर थोड़ा नीचे आए, फिर 3 नंबर वापस के ऊपर, 4 नंबर नीचे आए, 5 नंबर क्या हुआ बीच में से सेंटर में से गए ऊपर, 6 नंबर वापस नीचे आए इस पॉइंट से क्रॉस करते हो, 6 नंबर ऑलमोस्ट इसकी लेंथ पे 6। फिर उसके बाद आपको जो ये वापस ऊपर जाना है, उसके लिए आपको
इस पॉइंट से सॉरी। इस पॉइंट से क्रॉस करके ऊपर जाना है और वापस अपनी वापस ओरिजिनल पॉइंट से आपको कनेक्ट हो जाना है और नीचे एक आपका नीचे आपकी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। सो ये आपका है मिडास स्टार सिंबल। वेरी इजी टू ड्रॉ। आप बार बार इसे अगर नहीं समझ में आए, काफी बार होता है, सब लोग मुझे कई बार बोलते हैं यहाँ का स्टूडेंट्स कि मैम नहीं समझ में आ रहा, तो उसका सबसे बेस्ट वे होता है कि आप वापस से वीडियो को देखें, वापस से देखें कैसे ड्रॉ किया था। दो चार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आई विल स्टॉप दिस शेयर। अब आपको इसे वो यूज कैसे करना है। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि इसको कांस्टेंट फ्लो ऑफ अबंडेंस के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं और हमारे पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ हो सकता है, तो हम अनाप शनाप जो भी खर्चा करें, कुछ भी देखे नहीं समझे नहीं, तो वैसा नहीं करना है। जब तक आप पैसे को वैल्यू नहीं करोगे, कोई भी चीज को वैल्यू नहीं करोगे, वो आपके साथ रहना मुश्किल रहेगा। तो अब इसको यूज करने की टेक्निक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये सिंबल है, आप इसको कुछ बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, मिनिमम आप इसको 7 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। पेपर लीजिए, पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए मिनिमम 7 टाइम्स, एंड एवरी टाइम यू ड्रॉ इट से मिडास मिडास मिडास। 3 टाइम्स आपने इसका नाम लेना है। मिडास ले सकते हैं, मिडास स्टार मिडास स्टार मिडास स्टार ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पॉपुलर जो ज्यादा है इसका शॉर्ट नेम ही है मिडास। ठीक है, इसको एक तो आपने प्रैक्टिस करना है, सेकेंडली आपको इसका अटूनमेंट रिसीव करना है। आपके कोई रेकी टीचर है, उन्होंने किया हुआ है, आप उनसे रिसीव कर लीजिए, नहीं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दिया है, वो फिलअप करके जो इसका भी हमारे पास फॉर्म फिलअप होकर आएगा तो वो हम लोग उसको इसकी अटूनमेंट सेंड कर देंगे। उसी दिन आपकी अटूनमेंट हो जाएगी। आपको रात को उस दिन जिस दिन भी आप फॉर्म फिल करेंगे, बिकॉज डेली आई विल बी डूइंग दिस अटूनमेंट, तो आप उस दिन या उससे अगले दिन रात को सोने से पहले आप बैठिए आराम से फॉर 10-15 मिनट्स, एंड अफर्म कीजिए अपने मन में, कहिए कि मैं ग्रैंड मास्टर याचना जैन से मेडा स्टार सिंबल का अटूनमेंट रिसीव कर रहा हूँ। इस डिवाइन सिंबल का अटेनमेंट रिसीव करने से मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मेरे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और ऐसी इंटेंशन करके आप 10 मिनट उस सिंबल पर ध्यान लगाकर आप सो जाइए, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठें तो एक प्लेन शीट ले लीजिए पेपर का। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ ये किया, रात को सोने से पहले आपने ये इंटेंशन किया कि मैं अट्यूनमेंट ग्रैंड मास्टर याचना जैन से अट्यूनमेंट रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इससे मेरे जीवन में हर एस्पेक्ट में, मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपने ये किया, अब अगले दिन सुबह उठकर आपको करना क्या है कि एक प्लेन शीट लीजिए पेपर की, एंड उस प्लेन शीट के चारों कॉर्नर्स में, बिकॉज मैंने कहा ना आपसे पहले कि आपको रेकी लेवल 1-2 आना चाहिए, तो आपके चारों कॉर्नर्स में आप पावर सिंबल ड्रॉ करेंगे। आप सब लोग जो भी रेकी जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि पावर सिंबल कौन सा है हमारे रेकी में। ठीक है, तो वो पावर सिंबल चारों कॉर्नर्स पे आप ड्रॉ करोगे और बीच में आप मिडास ड्रॉ करोगे। ठीक है, और उसके नीचे आप अपनी एफर्मेशन लिखोगे, जो भी आप जीवन में चाहते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि
मेरे बिजनेस में, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है और ज्यादा अबंडेंस आ रहा है। जो भी आप अपने जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए जो भी लिखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, आप वहां पर एफर्मेशन इस सिंबल के नीचे आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको फोल्ड करोगे एंड इसको आप किसी बड़ी प्लेट में या रेकी बॉक्स में फोल्ड करके आप इसको रख दोगे। रेकी बॉक्स के बारे में भी मैंने एक अपने अलग वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जो ये पेपर फोल्ड करके रखा है, आप इसके नीचे एक कोई करेंसी नोट रख सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि बड़े से बड़ा रखें, करेंसी नोट को स्ट्रेट रखें। करेंसी नोट को आप किसी भी तरह से फोल्ड मत कीजिए, उसे स्ट्रेट रख के ऊपर आपने ये रखा हुआ है जिसमें सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आप साथ में आपका जो भी बिजनेस है, आपका कैरियर है, उसे बताने वाला कोई चीज भी साथ में रख सकते हैं। अपना विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं, अपने लोगो वगैरह का प्रिंट आउट रख सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका है वो भी वहां पर आप साथ में रख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है छोटा है तो वो भी आप वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई चार आइटम्स, अपने फोटो भी रख सकते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई फोटोज हैं, कोई कार्ड्स हैं वो भी रख सकते हैं। तो ऐसे चार आइटम आप वहां पर इसके साथ रखेंगे, ठीक है। कोई भी अगर मान लो कि कोई पर्ल का बिजनेस करता है तो पर्ल रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें आप रखोगे, बाकी अदरवाइज फोटोज भी, जैसे कोई ओकल्ट फील्ड में ही है आप लोग, तो ओकल्ट फील्ड के मतलब आपका जो भी बिजनेस के फोटोज वगैरह है वो वहां पर आप रखोगे, मिनिमम 4 आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप रेकी को इन्वोक करोगे। उसको रेकी को इन्वोक करने के बाद आप इस बॉक्स को नॉर्मली रेकी जैसे भेजते हैं, पहले पावर सिंबल डालेंगे, देन आप ये मिडास सिंबल एंड देन आप पावर सिंबल, ठीक है। तो वो आप अपने बिजनेस प्रिमाइजेस को, अपने जो भी कैरियर प्लेस है, आपका ऑफिस है, सब चीजों को, अपने कैरियर को पूरा, अपने बिजनेस को पूरा विजुअलाइज करके आप साथ में उस रेकी बॉक्स पे या उस प्लेट पे आप मिडास सिंबल की एनर्जी भेजते रहोगे, ठीक है। मिडास सिंबल एक मनी अट्रैक्शन का सिंबल है, तो आप इसको विजुअलाइज करोगे, उसे ड्रॉ करोगे वहां पर विजुअलाइजेशन के थ्रू, और 3 बार इसका नाम बोलोगे, ठीक है। कैसे बोलेंगे, मिडास 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 ऐसे बोलकर आपने इसको वहां पर कर लेना है। अब आपको क्या विजुअलाइज करना है कि वो जो आपने करेंसी का नोट रखा है वो रेप्लिकेट होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, एंड आपके जो बिजनेस के वो आइटम्स हैं, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होती चली जा रही है। तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है, वो जो भी आपने फोटोज आइटम्स जो भी रखा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो भी ग्रो करता चला जा रहा है, और उसके साथ साथ आपका बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, आप कैरियर में बहुत सक्सेस, आपकी जॉब है, कहीं पर भी है प्रमोशन, सक्सेस आपको मिल रहा है हर जगह से। और लास्ट में इस पूरे हीलिंग प्रोसेस को आपको जब भी 10-15 मिनट का बहुत है आप करना, 10-15 मिनट के बाद आप उसको वापस पावर सिंबल से, अगर आपने करुणा रेखी किया होगा तो उद्रेका सिंबल से आप इसको सील कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूअस हीलिंग। और फिर ये जो बॉक्स है या प्लेट है आप उसको अपने प्रेयर रूम में रखेंगे, किसी भी क्लीन प्लेस पे रखेंगे, कहीं पर भी इधर उधर नहीं रखेंगे। ऐसा आप डेली हीलिंग इसे भेजेंगे 7 डेज तक, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में अपने आप से ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स बनेंगे जो आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे, आपको अपने कैरियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी, आपका जो भी बिजनेस है बहुत फ्लरिश होगा, एंड आपके सभी रिलेशनशिप्स में बहुत हार्मोनियस होंगे, आपके घर में रिलेशनशिप्स, बाहर रिलेशनशिप्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। एंड ऑटोमेटिकली देन जब आपके सभी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्डअप होगा, तो आपके
बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो होगा, ठीक है? तो चलिए फिर आप अपनी लाइफ में लाइए पॉजिटिव चेंजेस और रेकी को यूज कीजिए अबंडेंस के लिए। इस सिंबल को यूज कीजिए, साथ में इसको यूज करने से पहले आप अटेनमेंट लेना मत भूलिए। मैं वापस से बता रही हूँ, अटेनमेंट के लिए हमने एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म का लिंक है, वो आप फिलअप करेंगे तो हमारे पास आपके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन इसके लिए आ जाएगा अटेनमेंट के लिए। अटेनमेंट हमेशा इसका अपने आप से टीचर नहीं देता है, जब भी स्टूडेंट आस्क करते हैं तो दिस इज द एनर्जी विच इज गिवन आफ्टर बीइंग आस्क। तो आप इसके लिए जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तब वो एनर्जी आपको दी जाएगी। अदरवाइज मैं ऐसे भी कर सकती थी कि आपको ऐसे ही ये हीलिंग एनर्जी, ये इसका अटेनमेंट मैं कर सकती हूँ सबके लिए, बट इसका एक रूल है, जब स्टूडेंट मांगते हैं तभी ये एनर्जी दी जाती है, तभी ये पावर आपको दी जाती है। सो यू नीड टू आस्क फॉर इट, यू नीड टू फिल अप दैट फॉर्म एंड टेल मी दैट यू वांट दिस अटेनमेंट। और जो रेकी बॉक्स के बारे में है वो आपको, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन वहां पर दे दूंगी, रेकी बॉक्स आप बना सकते हैं और उसका भी काफी बेनिफिट ले सकते हैं। जब आप रेकी बॉक्स के बारे में वीडियो देखेंगे तो उसमें भी वहां पर आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिलेंगी जो कि आपकी लाइफ को और ज्यादा प्रॉस्परस बना सकती है। सो चलिए इसे यूज कीजिए एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि इससे आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव आया है। आप कमेंट्स में फॉर्म फिल करने के साथ साथ आप कमेंट्स में भी नीचे लिख सकते हैं दैट यू वांट मेरा स्टार अटूनमेंट फॉर योर सेल्फ, और अगर किसी और को भी दिलवाना चाहते हैं तो उनका भी आप फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं, उनको बिना बताए भी कर सकते हैं। जस्ट आपको उनका नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका प्लेस वगैरह मुझे भेजना है एंड देन आई विल बी एबल टू अट्यून दैट पर्सन ऑल्सो। ये मेरे लिए एक फ्री सर्विस है बिकॉज मैं ये कर रही हूँ यूनिवर्स को, जो भी यूनिवर्स ने मुझे दिया है उसके ग्रेटिट्यूड के लिए। तो आप सब भी इसका लाभ उठाएं एंड जब आप इसे सीख लें, आप इसे करें तो आप भी आगे इसे दूसरों में पहुंचाएं, दूसरों को अट्यून करें सो दैट बाकी सब लोगों को भी इसका लाभ मिले। सो वी आर ऑन अ मिशन वेयर वी हैव टू मेक अर्थ अ प्रॉस्परस प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, एंड इस सब में आपकी भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती हूँ, हम सब मिलकर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी अर्थ को एक बहुत ही सुंदर और प्रॉस्परस जगह बनाते हैं हमारे रहने के लिए, हमारे आगे जनरेशंस के रहने के लिए। सो गॉड ब्लेस अस ऑल, हम सभी के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू।